किया गया हरियाणा में, और उतने ही आदमियों को अलाउ किया गया जितने आदमी अंदर जा सकते थे। और जब तक प्रनाउंसमेंट नहीं हुई जजमेंट की, जब तक स्थिति बिल्कुल शांति रही, उससे पहले भी पूरे प्रदेश में, और एक बार ही जब उनकी कन्विक्शन हो गई, कन्विक्शन के बाद थोड़ी बहुत ही टसल हुई है, वो हमने उसका FIR दर्ज कर दिया उस बारे में। और उस जजमेंट के बाद जो उनके भगत थे बाहर, जो उनके श्रद्धालु थे, जो लोग वहाँ आए हुए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और जो जजमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करी। आई जी साहब को स्लैब नहीं किया, उनके साथ कहा सुनी हुई है, उनको बैठाने को मैन हैंडलिंग कोई नहीं हुई, वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते थे जो गाड़ी वो लेके आए थे, लेकिन क्योंकि वो एक्यूज थे, वो उनकी सजा सुना दी गई थी, उनको सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में फॉर सिक्योरिटी रीजन ले जाना बड़ा जरूरी था, इस बात को लेके थोड़ी कहा सुनी हुई है और हम उनको पुलिस की गाड़ी में, पुलिस व्हीकल में उनको बाहर ले गए, जिसके लिए कि छोटी मोटी बात भी है। जो महिला थी वो कौन थी और क्या? वो उनकी डॉटर है और वो उनके साथ गई थी और अब वो उनके साथ नहीं है जेल में, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया है, वो सुनारिया जेल में रोहतक में जेल के अंदर हैं। और चौपर में ऐसा है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जनरली पंचकूला में क्योंकि जेल नहीं है, हम सारे एक्यूज को अंबाला जेल में ले जाते हैं। अंबाला जेल में हमें पता था कि अगर उनकी कन्विक्शन होगी तो दिक्कत होगी, इवन अंबाला में रास्ते में भी दिक्कत होगी, तो वैसे हमने एक रास्ता खाली रखा हुआ था, लेकिन बात सुनो, बात सुनो, नहीं हाँ ठीक है, ये हम चेक करा लेते इस बात को। डीजी साहब एक सवाल ये है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को फायरिंग के ऑर्डर देने में देरी की गई? मेरे पास एक क्लिप है जिसमें डेरे की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, वहां जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे उनको पुलिस वालों ने कहा कि आप ऑर्डर दीजिए, सामने से गोलियां चल रही हैं, तो क्या प्रशासन ने ऐसे ऑर्डर देने में देरी की? ऐसा है कि जब भी कभी उग्र भीड़ होती है उस पे एक हमारा पुलिस का CRPC में प्रोविजन है, पहले उन पे अश्रू गैस का यूज किया जाता है, अश्रू गैस से काबू नहीं आते, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज के बाद भी अगर भीड़ उग्र ज़्यादा हो जाए, आगजनी शुरू कर दे, उसके बाद फायरिंग का प्रोसीजर होता है। वो जो समय, आप मेरी बात सुनिए, उस समय के बीच में फिर फायरिंग शुरू की जाती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस के ऊपर, मैंने कल खुद स्वयं, मेरा गला भी बैठा हुआ है, कल मैंने स्वयं इस ऑपरेशन को लीड किया और 3 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरे पंचकूला को सारी पुलिस आपकी छोड़ के भाग गई बीच में। देखिए ऐसा है, जब एक्शन होता है तो पुलिस कई बार साइड पे रह जाती है, मॉब कई बार ज्यादा बीच में आ जाता है। एक मिनट, होंगे, आप मेरी बात सुन लो। ऐसा है कि पुलिस कई बार की टुकड़ी देर भी पुलिस